परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास टेंथ फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास टेंथ और आज हम आपको अपवर्तन के ही चैप्टर में जो आपका प्रिज्म वाला हम बता रहे हैं भाग, प्रिज्म वाले भाग में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, यानी प्रकाश जो है अपने वर्णों में क्यों विभक्त हो जाता है, क्यों विक्षेपित हो जाता है, क्यों अलग अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो आप जानिए कि कोई भी पदार्थ है, किसी भी पारदर्शी पदार्थ, जैसे आपका है क्या कांच, पारदर्शी पदार्थ में कांच है और कांच से यह प्रकाश जो है उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। कोई भी पारदर्शी पदार्थ है जैसे कांच लिया गया है, यहाँ पे कांच का ही प्रिज्म है, कांच लिया गया है तो उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, या अपवर्तनांक पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग जो है उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। और यह अपवर्तनांक जो होता है वह लाल रंग के लिए सबसे कम और बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रकाश यदि प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से ना होकर के वह आधार की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाता है। जब प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित होकर के प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाता है, और जब आधार की ओर मुड़ जाता है तो मुड़ने के साथ साथ उसमें जो है यह विभिन्न रंगों में विभक्त होता है। विभक्त क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक रंग का अपवर्तनांक जो है अलग अलग होता है। लाल का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी का सबसे अधिक होता है, इसीलिए लाल रंग में विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग में विचलन सबसे अधिक होता है। इस प्रकार से विभिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जब अलग अलग होता है इसीलिए वे सभी रंग अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। यदि आप एक कांच के गुटके में श्वेत प्रकाश की किरण डालें तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो है विचलन अपवर्तनांक तो है कांच का, लेकिन विचलन पर निर्भर नहीं करता है, यानी अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता है। और जब निर्भर नहीं करता है तो सभी प्रकाश की किरणें जो निकलती हैं, सभी रंगों की किरणें समांतर हो जाती हैं और समांतर होकर के वे एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती हैं और श्वेत प्रकाश ही निर्गत होता है। इसलिए आप ये जानिए कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। तो कारण यही है कि यह अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, और लाल रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसके पश्चात आप जानिए कि प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकीर्णन में आप जानिए कि प्रकीर्णन एक प्रकार की क्रिया है। तो देखिए, जब प्रकाश जो है ऊपर से चलता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब वायुमंडल में होकर के गुजरता है तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कण, जैसे धूल के कण, धुएं के कण या वायु के अणु उपस्थित हैं। ये सभी प्रकार के कण या अणु उपस्थित हैं, जल के अणु उपस्थित होते हैं, और सूर्य का प्रकाश जो चलता है वह उन सबसे टकराता हुआ आता है। जब टकराता है तो वो प्रकाश को एक बार अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करके वो प्रकाश को पुनः विकिरित करते हैं, और पुनः जब विकिरित करते हैं तो इसी घटना को, तो यह प्रकाश जो है चारों दिशाओं में फैल जाता है। जब वो पुनः विकिरित करते हैं तो वही पुनः विकिरित प्रकाश ये चारों दिशाओं में फैल जाता है, और इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन भी लाल रंग के लिए सबसे कम और बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए
आपका ये जो प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं हैं, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है तो उस समय सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं, ये तिरछी आती हैं, तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने के साथ साथ ये विभिन्न प्रकार के कणों से टकराती हुई आती हैं, और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण यह प्रकाश वायुमंडल से बाहर निकल जाता है, और लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण यह वायुमंडल में बना रहता है। इसीलिए सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। इसके पश्चात क्या है कि दोपहर के समय श्वेत दिखाई देता है। जब सूर्य हमारे सर पर होता है एकदम ऊपर, उस स्थिति में सूर्य श्वेत दिखाई देता है। देखना नहीं चाहिए क्योंकि सूर्य में इतनी अधिक ऊर्जा है, अपार शक्ति है, आँख खराब हो सकती है। परंतु आप यदि अवलोकन करें किसी स्थिति में तो देखेंगे तो सूर्य एकदम श्वेत दिखाई पड़ता है। एक बार देखने पर आँख को चौध आ जाती है और आँख से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु सूर्य जो है श्वेत दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि उस स्थिति में या उस समय यानी दोपहर के समय मध्याह्न में सूर्य जो है हमारे सर के ऊपर जब होता है एकदम ऊपर, उस स्थिति में सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणों का जो वायुमंडल में उपस्थित जो सूक्ष्म आकार के कण हैं उनसे टकराव कम होता है, क्योंकि वो कम दूरी तय करके आते हैं और सभी रंगों की किरणें, सूर्य से चलने वाली सभी रंगों की किरणें हमारे आँख तक पहुँचती हैं और सूर्य जो है श्वेत दिखाई पड़ता है। ठीक, आकाश का नीला दिखाई पड़ना, नीला क्यों दिखाई पड़ता है? नीला इसलिए दिखाई पड़ता है कि सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन होता है, और प्रकीर्णन जब होता है तो प्रकीर्णन में बैगनी, जामुनी, नीला ये सभी प्रकाश की किरणों का जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यही प्रकाश की किरणें वायुमंडल में फैल जाती हैं, और फैलने के कारण जब वायुमंडल में फैल जाएंगी तो वही हमारी आँख पर पड़ती हैं, जिससे आसमान या आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। आप देखते हैं कि यदि समुद्र में, नदी में या नहर में पानी धीमी गति से बह रहा है तो वो भी नीला दिखाई पड़ता है। इसका भी कारण वही है कि प्रकीर्णन कम होगा तो नीले रंग का, जामुनी रंग का और बैंगनी रंग का प्रकाश ही वायुमंडल में यानी उसकी ऊपरी परत पर फैला रहता है, जिससे वो नीला दिखाई पड़ता है। जब तेज गति से चलता है तो वो अपने रूप में दिखाई पड़ता है। तो आज की वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही। इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।